भाई आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। अभी आप इस सामने देख पा रहे हो होंडा की सिटी, और भाई काफ़ी पॉपुलर कार है, सबसे नंबर वन आपकी कार देखने को मिलती है जो कि सेडान सेगमेंट में आपको देखने को मिलती है। फिलहाल इसका वेरिएंट जो आप सामने देख पा रहे हो वो है वी, और ये कहीं से कहीं तक आपको देखने में नहीं लगेगा ये वी वेरिएंट है भाई, बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली फीलिंग देता है। और मैनुअल में फिलहाल हमारे पास खड़ी है, एलॉयज आपको देखने को मिल रहे हैं, LEDs आपको देखने को मिल रही हैं, शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल रहा है, और वाइट कलर ऊपर से रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिला। चाबी की बात करें तो चाबी भी आपको ऐसी को देखने को मिल रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है भाई देखने में। और इसके अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको इसके हेडलैम्प भी मैं एक बार दिखाता हूँ कि क्या कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑटो भाई हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स दोनों की बात करते हैं कि क्या कुछ है। और हेलोजन प्रोजेक्टर में आपको इसमें जो है ये देखने को मिल रहा है लो बीम, और ये भी हाई बीम जो है रिफ्लेक्टर बेस में आपको देखने को मिल रहा है, और DRL आपको देखने को मिल रही है, फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ब्लैक आपको दी गई है इधर में, और क्रोम पार्ट ऊपर दिया गया है, और होंडा का लोगो भी आपको क्रोम के अंदर ही देखने को मिलता है। और फ्रंट के बम्पर की बात करें तो ये काफ़ी भाई स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रहा है, आगे सब बम्पर आपको बोनट जो है ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और ORVM में ही इंटीग्रेटेड आपको जो है अपना वो देखने को मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। और पीछे के लैंप्स की बात करें टेल लैंप्स की, वैसे कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी भाई बढ़िया लगते हैं देखने में, काफ़ी स्पोर्टी फील देते हैं। और सबसे बढ़िया बात, चार पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है भाई। और बाकी बूट की बात करते हैं, देखते हैं रिक्वेस्ट सेंसर है, हाँ तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखते हैं ओपन होता है या नहीं, तो इतना ओपन कुछ हो जाता है आपका, बाकी थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी स्पेस तो है वो तो खैर भरपूर है, उसमें तो कोई भी आपको शिकायत नहीं होने वाली। ऊपर आपको लैंप दिया गया है, और इधर आपको कवरिंग दी जाती है ऊपर, और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग लैंप इधर मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ पे स्पेयर व्हील की अगर चेक करें क्या प्रोफाइल आपको दी गई है, तो इसमें भैया आपको दी गई है 175/65 R15 की प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर स्पेयर व्हील की। और बाकी इधर इतना ही कुछ है, और डिफॉगर आपको देखने को मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी आवाज़ आपने सुन ली होगी भाई कितनी तेज़ आवाज़ आती है। और बाकी एलॉयज की बात करें तो एलॉयज आपको देखने को मिल रहे हैं इधर, ये मिल रहे हैं 15 इंच के, सेम प्रोफाइल है 185/60 R15 सेक्शन, शायद सेक्शन भूल गया, शायद सेक्शन छोटा है शायद से, तो एक बार आप वो चेक कर लेना वीडियो में बैक करके। तो और बाकी हैंडल्स की बात करें तो आपको ऐसे कुछ देखने को मिल रहे हैं, और इधर की बात करें रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड पर देखने को मिल जाएगा। और पीछे सिटी की बैजिंग आपको दी गई है, होंडा का लोगो आपको प्रोवाइड किया गया है, IVTEC आपको लिखा गया है पीछे, जो कि लेजेंडरी इंजन है बिल्कुल। और बाकी आप इधर देख लो, चार पार्किंग सेंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और बाकी इधर आप देखो भाई काफ़ी बढ़िया सिस्टम देखने को मिल रहा है, चाबी मैंने आपको दिखा दी है। अब चलते हैं इंटीरियर में, बात करते हैं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है इसमें आपको। तो सीट की एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको मैनुअल देखने को मिलेगी, और इंटीरियर की बात करें तो ऐसा कुछ आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल रहा है, बेज में सीट्स हैं, और इधर आपको ब्लैक और ये दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में, तो मेजर क्राउड को यार बिल्कुल ये लुक पसंद आने वाला है। आर्मरेस्ट इधर दिया गया है जो कि स्लाइडेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी लेंथ जो है डिसेंट इनफ है, जो कि आपको काफ़ी हाथ रखने में प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होने वाली। और स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, लेदर ऐप आप करवा सकते हो आफ्टर मार्केट, लेदर ऐप आपको नहीं देखने को मिलेगा। इन्फोटेनमेंट कंट्रोल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, लेन कीप असिस्ट आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर भाई, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है भाई। और ये आप देख लो इधर, ये क्रूज कंट्रोल का इधर सेटअप आपको इधर देखने को मिल रहा है, और ये इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, इधर आपको ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है, और ये आप देख लो यहाँ से, और बाकी ये आप देख लो वॉल्यूम के लिए बटन्स आपको इधर दिए जाते हैं, तो ये आप वॉल्यूम इधर से सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जा रहा है इसके अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अभी मैं थोड़ा फ़ैन ऑन कर लेता हूँ, थोड़ी सी गर्मी काफ़ी हो रही है, तो फ़ैन भी बढ़िया, स्पीड भी फ़ैन की बढ़िया दी गई है काफ़ी। और हेडलैम्प्स भी ऑटो आपको दिए गए हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वाइपर आपको आगे देखने को मिल जाता है। और भाई और बस 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 बस, और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट तो देखने को मिलता ही मिलता है, और टेलीस्कोपिक भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। और सामने अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो काफ़ी भाई स्पोर्टी लगता है। एनालॉग दिया गया है, जो कि काफ़ी मेजर लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाला है। और अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो भाई एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये जो आपको ये जो देखने को मिल रहा है ना बटन, ये क्रूज कंट्रोल का इधर नहीं है, क्रूज कंट्रोल का आपको ये देखने को मिलेगा प्लस और माइनस का। और बाकी MID के मैं आपको बता रहा था, तो MID आपको यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। सबसे पहले ये अगर इसको स्टार्ट करते हैं हम, तो ये आपको इधर देखो आप, ऐसी कुछ आपको ये देखने को मिल रहा है इसमें सारा सिस्टम। और ये आप इस ये स्क्रीन आती है, तो इसको आप टॉगल करने के लिए सबसे पहले ये होम का बटन दबाओगे, तो ये उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और ये आपको ऐसे कुछ सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, लोगोज आएंगे तो समझने में थोड़ी सी इशू ज़रूर से हो सकता है कि भाई किस चीज़ की वो है। इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है इधर, या आप देखो ये ऐसा कुछ है, पेट्रोल का वो है ये है, और ये सेफ्टी मतलब लेन कीप असिस्ट हो गया, और उसके बाद ये वाला सिस्टम है भाई आपका, ये देखो देखते हैं इसको क्या है, क्लॉक एंड व्हीकल सेटिंग हो गई, ये देखो बैक आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और
होम बटन दबाओगे और बैक हो जाएगा। ये है कस्टमाइज डिस्प्ले, ये आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन दिखाए, ये दिखाए, तो आप इसमें सेट कर सकते हो कि भाई कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। और बाकी आप ये देखो, ये चीज़ क्या है मेरे को समझ नहीं आई, अभी दिखा नहीं रहा। तो इतनी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल रही है। और बाकी आप इसमें चेक करो अगर और इन्फॉर्मेशन, ये है यहाँ से, ये दिखा रहा है फ्यूल लो है अभी, तो ये दिखा रहा है। बाकी ट्रिप ए ट्रिप भी दिखाएगा, माइलेज इसमें आपको दिखाने वाला है ये। और ये चीज़ है क्योंकि अभी चली नहीं है तो माइलेज और ट्रिप ए ट्रिप भी ज़्यादा नहीं दिखा रहा। और नीचे फ़िलहाल दिखा रहा है टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर चली हुई है अभी। और ये सब है इसमें, आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और बाकी इन्फॉर्मेशन पे आप जाके ये चेक कर सकते हो कि भाई कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट जब होगी उसके बाद ही और इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। मैं एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ अगर फ्यूल है इसमें, तो इसमें आपको ये फ्यूल जो है फिलहाल तो लो दिखा रहा है। तो अगर इसके चेक करें कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें आप ये देख सकते हो फिलहाल एसी जो है परफॉर्म अच्छा कर रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन यार अभी इसमें मेजर दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों, ये तो ये फ्यूल लो है इसलिए कुछ अभी दिखा नहीं रहा इन्फॉर्मेशन। और बाकी और इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। बाकी इंजन की रिफाइनमेंट की बात करें तो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको देखने को मिलेगा ही इसके अंदर। और इन्फॉर्मेशन यार एक अभी वो एवरेज की दिखा नहीं रहा, वैसे दिखाता है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन फ्यूल समहाउ लो है तो उस वजह से मेरे ख्याल से ये नहीं दिखा रहा है। और बाकी इधर आप ये देख सकते हो बाकी फंक्शंस आपको इधर देखने को मिल रहे हैं। इधर आपको 120 वॉट का पावर आउटलेट देखने को मिल जाएगा, 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक चार्जिंग के लिए और एक अपना एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए। इधर आपको एक स्पेस देखने को मिल रही है, आप एक फ़ोन इधर रख सकते हो अपना, बॉटल होल्डर इधर आप रख सकते हो, इधर आप पेन वेन रख सकते हो, फ़ोन जैसे मर्जी आप इसे रख सकते हो चाहो तो। इधर आप देखो देखो अब तो 2 कप होल्डर आपको देखने को मिल रहे हैं। गियर नॉब आपको ऐसे कुछ देखने को मिल रही है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और आर्मरेस्ट ये जो है हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल रही है, जिसमें क्रोम बटन आपको देखने को मिल रहा है। आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसको मतलब आपको मैंने बता दिया। और ORVM की IRVM की बात करें तो आपको ऐसा कुछ मैनुअल देखने को मिल रहा है जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है आपको। और बाकी इधर आपको लाइट्स देखने को मिल रही हैं हेलोजन के अंदर। और इधर आपको ये देखने को मिल रहा है मिरर, इसके अंदर आप टिकट रख सकते हो, वैसे कोई सेपरेट जगह नहीं है। और बाकी इधर आपको इधर भी दिया गया है यहाँ पे। और लाइट प्लेसमेंट आप यही है, इधर से आप यूज़ कर सकते हो लाइट। और सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको हाइट एडजस्टमेंट और बैक लेवल जो है वो भी रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है। और ORVM बाहर के जो मिरर्स हैं उनको आप फोल्ड एंड फोल्ड यहाँ से कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। और जो ये है विंडो वो आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन देखने को मिल रही है। और बाकी जो है आपको मैनुअली मतलब करनी पड़ेगी, मतलब है तो इलेक्ट्रिक लेकिन ऑटो अप और डाउन देखने को आपको नहीं मिल रहा उसके अंदर। और क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली अच्छी स्पेस है काफ़ी। और ये आपको सॉफ्ट जो देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा सॉफ्ट आपको फीलिंग जरूर से देगा, थोड़ा मतलब चिकना।